सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो आज आपने प्रोग्राम देखा था, इज द इंटरनेशनल फोटोग्राफी, पूरे हमारे 22 जिलों में सेम एक्टिविटी जिसमें वो लोग भी हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने स्पोर्ट्समैन, हमारे सिविल सर्जन ने स्पोर्ट्समैन को इन्वॉल्व किया है एंड अदर पीपल हु आर अ गुड स्टैंडिंग और सेम प्रोसीजर वहाँ पे किया. आज के इसका उद्देश्य ये होता है कि सबका अटेंशन जाता है कि ड्रग अब्यूज़ कितना बड़ा प्रॉब्लम फॉर दी, इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड अनफॉर्चुनेटली इन हरियाणा इट हैज़ इंक्रीजिंग स्टेडिली द लास्ट थ्री फोर ईयर्स. बट नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम बट वी ऑल्सो हैव अ सोल्यूशन इन हैंड. In the AIDS Control Society, we run the OST, Oral Substitution Therapy, जिसके अंदर जो ड्रग एडिक्ट है उसको क्लीन करने का सिस्टम ये होता है कि उसको ग्रेजुअली एक मिट्टी लेके आते हैं, वो रिप्लेस कर देते हैं. अब उसको ड्रग्स नहीं लेगा लेकिन उसको इफेक्ट सेम फील होता है. तो ऐसे हम सेंटर्स 9 चला रहे हैं, 4 हमारे बन जाएंगे. एंड पीडी एड्स हैज प्रॉमिस कि अगले साल के इस डे से पहले सारे जिलों में हम सर. मैम अगर हरियाणा में कंपैरेटिवली जो ड्रग अब्यूज़ की स्थिति को कंपेयर करें बाकी नियर बाय नेबरिंग स्टेट से, तो क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन? वी आर क्वाइट बैड. फॉर एग्जांपल द स्मॉलेस्ट स्टेट्स लाइक हिमाचल, पंजाब इज ऑन द टॉप and Himachal unfortunately will be around the 4th or the 5th and Delhi again to a small place the figure is very high. So Haryana mein pehle itni nahi thi, it has risen only in the last 3-4 years, but now since we have accepted yes we have a problem, the government is taking all initiatives at every platform. Number one, supply ko control karne ke liye, हर साल हम इस डे को मनाते हैं लेकिन जब हम अगले साल आते हैं तो जो आंकड़े होते हैं वो हमेशा बड़े मिलते हैं, कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है क्या? और अगर कुछ ना करते हैं तो सोचिए क्या होता. आप देखिए हमारी फिगर्स इंक्रीज, हमारे फिगर्स ऑफ जो ओएसटी में अटेंडीज हैं, मतलब जो लोग वहाँ आते हैं उसको अवेल करने के लिए, वो हर साल वो भी बढ़ रहे हैं. मतलब हमारे जो बर्दियों में वो भी बढ़ते जा रहे हैं और अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो साथ में हमारी ट्रीटमेंट भी बढ़ रही है, सिर्फ बढ़े जा रहे हैं. और ये सरकारी तरीके से काम नहीं होता है. इट इज़ यू नो NGO बेस्ड प्रोग्राम जो हमारे टारगेटेड इंटरवेंशन है, जिसमें स्पेसिफिकली हम ड्रग अब्यूज़र्स को करते हैं. वो लोग इतनी डेडिकेटेड टीम होती है कि वो पुलिस से डरते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से डरते हैं, ड्रग्स वाले उन लोगों से वो सारे दूर रहते हैं. बट जो हमारे काउंसलर्स हैं वो उनके नेट में आते हैं, हमारे काउंसलर्स उनको समझाते हैं कि नंबर वन छोड़ो, दूसरा अगर आप कर भी रहे हो तो सेफ सिरिंज दो. इन नाटो का डायरेक्शन है कि सिरिंज दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ड्रग की यूज़ का प्रमोशन कर रहे हैं. इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम आपकी नीडल ठीक रहेगी, आपको HIV नहीं होगा. आप देखिए जहाँ ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस के नीचे बंच ऑफ पीपल गेटिंग टुगेदर, हमारे पास बहुत सारी फोटोग्राफ्स की है, एक सिरिंज को लेके 4-5 और उसके क्या क्या कन्वर्शन हर ज़िले में आइडेंटिफाई. तो हमारे जो काउंसलर्स हैं उनके अंदर जाते हैं, विश्वास पैदा करते हैं और हर 6 महीने उनकी टेस्टिंग होती है. तो एड्स कंट्रोल में 2 प्रोग्राम्स हैं, OST एंड दी अदर इज टारगेटेड इंटरवेंशन. दैट इज जो ड्रग यूज़र है उसको डायरेक्ट हम अपने उसमें रोल में लाते हैं, कॉन्फिडेंस और प्यार, नथिंग एल्स वर्क. सरकारी अगर दिखाएंगे तो वो तो हमसे दूर भाग जाएंगे,
फिर हम उनकी टेस्टिंग कराते हैं, सिरिंजेस देते हैं। कितने दिन चलेंगे मैम? अ वीक प्रोग्राम फीस।